हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आज छठे चरण की वोटिंग पर पल पल की अपडेट के साथ, सात राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें हरियाणा की 10 सीटें, काफी अहम माने जाने वाली 10 सीटें भी आती हैं। पूरे प्रदेश में अगर हम अभी इस वक्त तक वोटिंग प्रतिशत की बात करें, चूंकि जो लोग लाइन में खड़े रह गए थे उन्हें भी वोट डालने का मौका दिया गया समय बीत जाने के बावजूद भी, तो 65% मतदान दर्ज किया गया है। कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग रही, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में, फिर हमारे पैनल के पास आएंगे। छठे चरण के लिए 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं हरियाणा के सभी 10 सीटों पर मतदान हुआ। एक दो घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, जिसको लेकर शिकायत की गई और कार्रवाई भी हुई। वहीं प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिला है। हरियाणा में 2014 में 73% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो गिरावट हुई है उससे किसको फायदा होगा, ये तो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन हरियाणा की हर सीट पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस सीट पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। अंबाला में करीब 63.10% वोटिंग हुई, जबकि 2014 में 70.90% वोटिंग हुई थी। वही कुरुक्षेत्र में तकरीबन 67.51% मतदान हुआ, जबकि 2014 में 75.8% वोटिंग हुई थी। सिरसा में इस बार करीब 66.07% वोटिंग हुई है, जबकि 2014 में 76% वोटिंग हुई थी। अगर हिसार की बात करें तो करीब 67.07% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार रिकॉर्ड 75.90% वोटिंग हुई थी। करनाल में इस बार करीब 56.27% मतदान रहा है, वहीं 2014 में 70.20% वोटिंग हुई थी। सोनीपत में करीब 65.30% मतदान हुआ है, जबकि 2014 में 68.40% मतदान हुआ था। रोहतक सीट पर करीब 64.73% मतदान हुआ है, जबकि 2014 के चुनाव में 67.30% मतदान हुआ था। भिवानी महेंद्रगढ़ में इस बार करीब 63.74% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 69.50% मतदान हुआ था। गुरुग्राम में 58.31% मतदान हुआ है, जबकि 2014 में 70.20% मतदान हुआ था। फरीदाबाद में इस बार करीब 58.68% मतदान हुआ है, जबकि 2014 में 60.80% मतदान हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का वोटिंग प्रतिशत नतीजों पर कितना असर डाल सकता है। वैसे हरियाणा में कई सीटों पर रस्ता कसी है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जहां बीजेपी मिशन 10 का सपना देख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव में पूरा दम दिखाया है, लेकिन 23 मई को साफ हो जाएगा कि नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 मई को नतीजों का जब ऐलान होगा, उस दिन पता चल जाएगा कि यहां पर किसे जनता जनार्दन ने पसंद किया है, वोट दिया है। चर्चा के लिए आज की वोटिंग प्रतिशत को लेकर और जनता के रुझान को लेकर चर्चा के लिए हमारे पैनल से आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ योगेश कौशिक जी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, राजनीतिक विश्लेषक है। विकास चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रदीप नरूला जी भी बने हुए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। प्रवक्ता इनेलो सुखवंत सिंह है हमारे साथ, सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप पराशर जी, प्रवक्ता जेजेपी, एक एक करके सबके पास जाऊंगी। आज दिन भर जो छिटपुट घटनाओं की खबरें भी आई जो नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी हम बात करेंगे। उनमें से
एक खबर ये भी थी, दिग्विजय चौटाला जब गए थे दौरा करने के लिए सोनीपत में, तो उन्होंने कहा कि चप्पल का निशान तो ईवीएम में दिख ही नहीं रहा है, लोग कंफ्यूज हैं। देखिए उस पे साफ साफ दिग्विजय जी ने बोला, और सिर्फ एक जगह नहीं ये कई जगह हुआ, कि ईवीएम मशीन में जो चुनाव चिन्ह था वो काफी ज्यादा फेडेड था, डिम था, क्लियर नहीं आ रहा था बाकी चुनाव चिन्हों की तरह। और उसके स्पष्टीकरण भी जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हरियाणा के राजीव रंजन जी, उन्होंने दिया भी है कि फेक है क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है। तो उस पर एक सवाल है, उस पर सवाल ये था कि ये सिंबल एलोकेट किसने किया? सिंबल तो एलोकेट चुनाव आयोग ने किया। तो अगर कोई भी सिंबल आप एलोकेट करते हो, बड़ा कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी सिंबल एलोकेट करने से पहले उसका क्या विजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ ईवीएम का, कि विजिबल है या नहीं है? और साथ ही साथ कई जगह बूथों पर, इनफैक्ट जिस बूथ पे मैं भी वोट देकर आया हूँ, देखिए वोट दे रखी है, जिस बूथ पर मैं भी वोट देकर आया हूँ वहां पे भी लाइट नहीं है ऊपर। और जब पूछा गया निर्वाचन अधिकारी से कि यहाँ लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो उनका सीधा साधा जवाब था, हमें यहाँ लाइट की सप्लाई नहीं दी गई है। तो सियासी षड्यंत्र जिसका जिक्र दिग्विजय ने किया, या विजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं? दोनों चीजें हैं। साफ नजर आ रहा है कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी तक मान रहे हैं कि हाँ वो डिम है, फेड है, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है, ये बचाव करने का तरीका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं है। जब एक सिंबल का, जिस पार्टी की आज सत्ता है उसका सिंबल आप देखें उस ईवीएम पे, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो चला भी सकते हैं, कि अगर वो ईवीएम पे देखेंगे तो उसका तो डबल बाउंड्री का है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और वहीं दूसरा उसकी चप्पल की जो बाउंड्रियां हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो जनता, हमारे बुजुर्ग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी बोलते हैं कि वो पढ़कर भी वोट दे सकते हैं, तो कहीं ऐसा भी तो है कि पढ़ लिख कर वोट ना देने वाले लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको सिर्फ ये बता जाएगा कि फलानी मशीन पे फलाने नंबर का अपना कैंडिडेट है, उसको दी, इस तरह से प्रचार होता है, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन वहां पर अगर इस तरह की हालात बन जाए कि आप जाएं और आपको वो मशीन में आपका सिंबल ही ना दिखाई दे, कि जी आपको चप्पल पर बटन दबाना है लेकिन चप्पल तो दिखाई नहीं दे रही है, और इतना ध्यान देता कौन है क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होती है। आप ये देखिए कि वोटर के ऊपर बहुत दबाव होता है पीछे लाइन का, जिस तरीके से एक वेव में चलती है वोटिंग, तो ये बिल्कुल है राजनीतिक षड्यंत्र भी है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने उनको समझा भी है, और इसी वजह से कार्यकर्ताओं ने, हमने कार्यकर्ताओं को कहा भी कि आप हर जगह जाइए और ज्यादा उनको समझाइए। हाँ बिल्कुल देखा है। हाँ। और दूसरा इसके साथ एक और चीज हुई है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने चुनाव अधिकारी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका बयान देखा, स्टेटमेंट देखी टीवी के ऊपर, जहां वो बोल रहे हैं हाँ डिम था, और दूसरा उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं मशीनों की प्लेसमेंट भी गलत थी, जहां पे अगर 18वें नंबर पर 19वें नंबर पर कोई कैंडिडेट है जिसका चुनाव चिन्ह कोई भी हो, मैं किसी भी कैंडिडेट की बात करता हूं, और वही ये बताया जाता है बाहर कि मशीन नंबर 2 पे मेरा चौथा नंबर है, तो वहां पता चला कि मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 की जगह रखी हुई है। अच्छा। ये चुनाव अधिकारी ने माना है, मुख्य चुनाव अधिकारी ने, मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट चैनल्स पे रिलीज हुई, ये पत्रकारों के साथ इंटरव्यू में ही उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अन्याय वोटर के साथ क्या हुआ। ठीक है, इस तरह का कोई अन्याय इनेलों ने भी अपने साथ महसूस किया क्या? देखो अनामिका जी, बिल्कुल ये कई जगह लाइट, प्रदीप जी ने कहा लाइट की बात है, कहीं पे वो जो वीवीपीएटी का सिस्टम था वो दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ। और अनपढ़ लोग थे, उनको बताया नहीं गया कि आप 7 सेकंड तक इस पे देखें, जबकि वो चुनाव आयोग की तरफ से उनको बताया जाना चाहिए था कि जी 7 मिनट तक, 7 सेकंड तक आपको इसके ऊपर ये दिखाई देगा, ये डिस्प्ले होगा। तो बहुत ज्यादा खामियां हैं, बहुत इस ईवीएम के ऊपर तो बहुत बड़े सवाल हैं, और इसके ऊपर क्योंकि कांग्रेस के समय में बीजेपी खुद इटसेल्फ 2009 में सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुब्रमण्य स्वामी और एल के आडवाणी गए थे, उसके बाद कांग्रेस ने भी मिसयूज किया है, बीजेपी ने मिसयूज किया है, और ये मिसयूज की प्रोसेस है लोकतंत्र में, ईवीएम के नाम पे बहुत बड़ा छलावा है। दूसरी बात, एक भाई प्रदीप जी ने कहा कि चप्पल दिखाई नहीं दी, अब प्रकृति संकेत देती है अपने तरीके से। अच्छा। और चप्पल जो है वो इलेक्शन अब इस रिजल्ट के बाद दिखाई नहीं देगी, प्रकृति अपने तरीके से करती है वो। चलो इस बहाने से उसने मैसेज दिया कि चप्पल नहीं दिखेगी, ये इनको मशीन पे नहीं दिखी, इस तो फिर जो खामी आप गिना रहे वो भी प्रकृति के तौर पे मान नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं ये बात भाई को रिएक्शन देखिए, शायद बड़े भाई ने एक इसको कटाक्ष कह लीजिए, तो मैं उसी चुटकी लिया, चुटकी तो एक चुटकी का जवाब मैं दे देता हूँ। जींद के समय की मेरे को एक बात याद आती है। हाँ। जींद उपचुनाव से जब हम वापस आ रहे थे, जिस दिन भारी लोगों को वापस भेजा गया, तो हम प्रचार के लिए गए थे कार्यकर्ता हैं, तो जब वापस आ रहे थे तो एक ऑटो पे एक आंख के अस्पताल का एक टैगलाइन था, अब चश्मे उतरेंगे विश्वास से। अच्छा।
तो सपने देखिए लेकिन चश्मे उतरेंगे। हाँ। तो अब चश्मे उतरेंगे विश्वास से। हाँ। तो जहाँ बड़े भाई ने चुटकी ली तो मैं इस चुटकी का, चलिए ठीक है, ये 23 मई को पता चल जाएगा कि चश्मे उतरेंगे विश्वास से या चप्पल जो डिम दिख रही है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चश्मा लगाओगे तो चप्पल क्लियर नजर आएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? थैंक यू कौशिक जी ने मेरी चुटकी को कम्प्लीट कर दिया। चश्मा लगाएंगे तो चप्पल क्लियर दिखेगा। देखिए ऐसा है, ये चुटकियां हैं, लेकिन ये देखिए नहीं, आज 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 हम एक त्योहार मना रहे हैं लोकतंत्र का, और वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो इसमें एक संदेश हम इसी माध्यम से एक और देना चाहते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता कहीं पे भी हो, लेकिन भाईचारा एक सबसे बड़ी चीज है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे बन जाएं कि एक दूसरे से नजर ना मिला पाए, हंसी मजाक ना कर पाए। तो समाज सबसे बड़ा होता है और भाईचारा सबसे बड़ा होता है। जहां तक रही बात की कौशिक जी बोल रहे हैं कि चप्पल जब ज्यादा साफ दिखाई देगी, जब चश्मा होगा तो जनाब कॉन्टेक्ट लेंस भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनता हमें कॉन्टेक्ट लेंस दे रही है, और बाकी बड़े बुजुर्गों का जैसा आशीर्वाद होगा और जैसा आदेश होगा उसको भी बड़े नेता जो हमारे हैं वो देखेंगे, हम साथ हैं, साथ रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर प्रदीप जी ने, और कहा भी है कि दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। इनेलो और जेजेपी दो पार्टियों की राय हमने जान ली, सब कुछ अच्छा रहा चुनाव में या आपको भी कुछ खामियां नजर आई? हमें कोई खामियां नजर नहीं आई, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, हमने जहां जहां भी बूथों पे गए, हम पे जो रिपोर्ट आ रही है उसमें पता लग रहा है कि कांग्रेस के बूथों पे अपार जनसमूह बढ़ा है, और लोगों ने एक तरफा कांग्रेस को इस बार सत्ता में लाने का मन बना लिया, और इसके नतीजे आपको 23 तारीख को देखने को मिलेंगे, कांग्रेस क्लीन स्वीप लेगी हरियाणा की। 10 की 10 सीटें, हम तो 10 की 10 मान रहे हैं, आपको ऊंच हो जाए तो कह नहीं सकते, जनता का मन है, लेकिन हम 10 में से 10 मान के चल रहे हैं। गुंजाइश कितने की है? देखियो गुंजाइश तो हमें तो किसी एक की भी नहीं है। नहीं, आप ऊंच-ऊंच की भी तो बात कर रहे हैं। ऊंच-ऊंच तो जनता का मन है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम 10 में से 10 सीटें क्लीन स्वीप करेंगे, तो जनता के मन से ही तो जीतेंगे। जनता के मन से तो कह रहा हूँ, जिस तरह का जनसमूह उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग आज पर्चियां बनवाने कांग्रेस के बूथों पे आए, जिस तरह बड़े बड़े हजूम निकले और प्रत्याशियों के टेंट भी नहीं लगे, एजेंट भी भाग गए दोपहर तक, तो उससे साफ पता लगता है कि लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान है, और इसी को देख के हम कह रहे हैं कि 10 में 10 सीटें हमारी आने। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं हैं सभी के साथ। अभी आपने जो खामियां सुनी, दिन भर में बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला, हालांकि बहुत अच्छे से वोट हो रहा था, काफी तैयारियां भी नजर आई, जहां पर कुछ घटनाएं हुई वहां पर पुलिस वाले भी, सुरक्षा बल भी मौजूद थे काम करने के लिए, लेकिन जो ये कह रहे हैं जैसे दिग्विजय चौटाला ने कहा, जैसे इनेलो ने कहा कि खामियां हैं बहुत हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश थी, ये देखी जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ है या कुछ और देख रहे हैं? देखिए अनामिका, सुधार एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी भी चीज को आगे तक उसमें नए एक्सपेरिमेंट, नए सुधार किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे जी। तो वो ठीक है, वो ये जब वो कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये मान लिया है तो कि उसमें कोई गड़बड़ थी, तो उनका उनकी अगर शिकायत है तो जायज है, अगर चुनाव आयुक्त भी मानता है तो उनका कहना ठीक है, हो सकता है उनका उससे प्रभावित, चुनाव प्रभावित हुआ हो, वो बात ठीक है, वो इस तरह की उनको ये हक भी है चुनाव आयुक्त के पास जाने का और अपनी बात रखने का भी हक है। तो बात जहाँ तक अब जो सबके भाग्य ईवीएम में बंद हो चुके हैं और क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। 23 तारीख, हाँ नहीं, 23 तारीख को तो खैर सब कुछ सामने आएगा ही आएगा, जनता ने अपना फैसला कर दिया है, और मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों पर 23 तारीख तक का वक्त है, अभी 10 दिन 11 दिन और हैं कि वो 10 की 10 क्लीन स्वीप करेंगे, ये तो फिर जब पर्दा खुलेगा, मुट्ठी खुलेगी तो पता लगेगा, फिर आकलन करेंगे कि वहाँ चूक हो गई, वहाँ चूक हो गई, हम वो अंदाजा नहीं लगा, वो हम अंदाजा करेंगे, ज्यादातर ये कहेंगे आत्ममंथन करेंगे, बैठ कर विचार करेंगे कि ऐसा कैसा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार वोटर साइलेंट था और उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया, पता नहीं मेरे कांग्रेस के मित्र को कैसे पता लग गया कि वो सब कुछ हमें ही दे रहे हैं, यहाँ तक कि तो मुझे लगता है कि जिस तरह के सर्वे, कल जब हम डिबेट में बैठे थे आप तब भी वोटर साइलेंट है कह रहे थे आपने, लेकिन ये कहा था कि कल के डिबेट में, यानी कि आज आप बता देंगे कि किधर का रुझान कैसा है, कुछ आप समझ पाएंगे? नहीं, अभी अभी डिबेट चालू है तो मैं लास्ट में आपको आखिरी लाइन में बताऊंगा कुछ ना कुछ जरूर। तो मेरे कांग्रेस के मित्र को शायद पता लग गया कि बिल्कुल क्लीन स्वीप है। चलो मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर।
ठीक है सर, 65% मतदान दर्ज किया गया है योगेश जी, बंगाल में 80 पार। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई ने तो राजनीतिक तौर पे कह दिया कि जी मैं मुबारकबाद देता हूँ, पर मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि गुड़गांव जैसे शहर में आप इसी माइक को लेके जाइए, अभी चले जाइए बेशक, और मॉल वगैरह में खड़े होकर बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको 1,00,000 प्रॉब्लम बता देंगे वो। घर के सामने गड्ढे हो गए हैं जी, लाइट आती नहीं है जी, बिल्डर ने तंग कर दिया है जी, पानी आ नहीं रहा है जी, 1,00,000 प्रॉब्लम बता देंगे। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती उतर के आके कि वोट भी डाल के आ जाओ एक, ताकि आप एक अच्छा आदमी चुन सको। अच्छा और बुरा मैं फिर भी नहीं कहता कि काम करेगा या नहीं करेगा, बट एटलीस्ट आप तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो मतलब क्या मैं कैसे मान लूं कि गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी दुनिया का। मुझे थोड़ा सा दुख भी है इस बात का कि मुझे नहीं काटना चाहिए था। गुड़गांव का टर्नआउट इस वक्त 66% से अधिक है इस सीट का, और आपको आश्चर्य होगा कि जहां 27% 26% की हम बात करते थे, वहां आज खुल के वोटिंग हुई है। पुराने गुड़गांव में वोटिंग कम हुई है, नए गुड़गांव में ज्यादा हुई है। मैं इनका भ्रम दूर कर दूं, यह हकीकत है, मैं पूरे गुड़गांव में घूमा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो सिनेरियो था वो पिछले के मुकाबले बिल्कुल अलग था। पिछले के मुकाबले आज का सिनेरियो अलग था और इसे सराहा जाना चाहिए। ठीक है, जो लोग नहीं निकले उनके लिए आप ये रख सकते हैं कि जब आप प्रॉब्लम्स गिनाते हैं तो वोट डालने भी आपको जाना चाहिए। जब आप चुनेंगे ही नहीं तो आप किससे कंप्लेंट। अगर किसी विधानसभा में जी सर टर्नआउट मिला है तो वो गुड़गांव की विधानसभा में 66% है। मेवात में 70-70 है तीनों पे, और उसके बाद अगर चौथे नंबर पे है तो गुड़गांव है। ठीक है, क्या कहेंगे योगेश जी? नहीं, मैं चाहे 10 लोग ही नहीं उतर के आ रहे हैं, वही 10 लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, वही लोग खड़े होकर मोदी की बुराई करेंगे, वही राहुल की भी बुराई करेंगे, वही ट्विटर पे और वही फेसबुक पे बड़े विद्वान हो जाते हैं। मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं जो करके गए वोटिंग, उनको लिए तो आई डेफिनेटली आई से कि भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, अपनी ड्यूटी पूरी की है, हम पे भी कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जो लोग नहीं आए वही ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये पार्ट तो फर्स्ट पार्ट तो है ये। अब सेकंड पार्ट जो ये बातचीत कर रहे थे और मतलब वो चुटकुलों में बात चली गई थी, उसका एक एक सच ये है जो निरुला साहब भी ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि अगर ये दोनों एक रहे होते तो आज इलेक्शन पे कोई और चर्चा हो रही होती, और उस चर्चा में कहीं ना कहीं जैसे 10 की 10 सीटें जीतने की बीजेपी भी बात करती अगर बैठी होती तो, और 10 की 10 कांग्रेस भी बात कर रही है आज के दिन, 10 की 10 सीट जीतने का ये भी दावा कर रहे होते। उसका रीजन है पिछली बार कई जगह पे इनेलो दूसरे नंबर पे है और बड़े कम वोट मार्जिन से, और 2 सीटें तो जीते ही थे ये लोग। हाँ, ठीक है, और बाकियों पे बड़े कम अंतर पे थे ये पीछे। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छी स्थिति में होते और अगले विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी भी इनकी हो रही होती, पर जो नहीं हुआ उसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर, अगर साथ में होते संगठित होते तो कुछ और बात होती। डेफिनेटली ये बात तो मैं ये है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ईवीएम की के बारे में पूछा, वो बिल्कुल साइलेंट रहे। कुछ मुद्दे इस देश में ऐसे हैं जिसके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कदम ताल करते हैं, और ईवीएम का मुद्दा भी उनमें से एक है। राहुल गांधी जी और इनके बड़े बड़े नेताओं ने जो कुछ मेटीरियल जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके ऊपर बिल्कुल साइलेंट हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद राहुल गांधी जी नहीं बोले, ईवीएम के ऊपर भी नहीं बोले। अब इस देश में 2004 में पहली बार संपूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग हुआ। ऐसा क्या हुआ कि 2000 तक आई के गुजराल के नेतृत्व में रीजनल पार्टी की सरकार केंद्र में थी, और 2004 के बाद वो रीजनल पार्टी सारी इरिलेवेंट होती चली गई, साइड में होती चली गई। मैं आपके माध्यम से सवाल उठाता हूं कि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, और ईवीएम एक बहुत बड़ी लोकतंत्र के में मतदाताओं के साथ छलावा है, और निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इसमें देखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ये चली, जैसे कौशिक साहब कह रहे थे कि ये होते तो, अब आंकड़ों के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खेलते हैं और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के साथ, झूठे आंकड़ों के साथ, उसी प्रकार से मैं मीडिया के रोल को देखता हूं और यहां पे जो लोग आके बोलते हैं उस पे देखता हूं। अगर साथ होते तो क्या होता, अब ये नहीं हुए तो ये हवा इतनी ठंडी भी नहीं है, ये बयार इनके प्रति इतनी भी ठंडी नहीं है कि हम दोनों ये अलग अलग हुए तो इनके प्रति ठंडी बह रही है, और इनके प्रति
बीजेपी के प्रति डेफिनेटली इनका मतलब यही है कि दोनों इकट्ठे होते तो बीजेपी आउट होती, और अब ये इकट्ठे नहीं है तो बीजेपी इन है, इनका मतलब तो मैं तो ये आप ये कह रहे हैं कि दुष्यंत अलग हो गए, जेजेपी नई पार्टी बन गई, तभी भी इनेलो कमजोर नहीं हुई है, ये बीजेपी को समझना होगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुबह की डिबेट में भी आप ये बताई थी, मैं दोबारा से इस बात को रिट्रेट करता हूँ। कौशिक साहब जैसे अभी ये परसेप्शन और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों अलग हो गए तो अब बीजेपी वो है, बिल्कुल भी नहीं है, ये हालात नहीं है। और बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर आप देखेंगे, और प्रदेश की जनता ने जहां जहां पर भी कांग्रेस का कोई विकल्प था बीजेपी को हराने के लिए, वहां पे वो उस तरफ डाइवर्ट हुए हैं, ये एक देखना पड़ेगा। तो आप भी ये कह रहे हैं क्या कि 100 सीटों पर आप जीतेंगे? मैंने तो आपके पहले हाफ में आप नहीं थे, दूसरे हाफ में आए, मैंने एडमिट कर लिया कि हम सिर्फ 2 सीटें जीतने जा रहे हैं, हम बाकी पे हम कंटेस्ट में नहीं है। मैं तो एडमिट कर लिया था, आप नहीं थे उसमें डिबेट में, ओपनली मैंने एडमिट कर लिया था। तो जो वो कह रहे हैं उसी का तो आप जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी आप 2 सीटों की जो बात कर रहे हैं, सर एक सेकेंड, 2 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं, अगर साथ में होते तो 10 का दावा करते, इसी का जवाब दे रहे हैं ना? अनामिका जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालें। वो उनका परसेप्शन का मैसेज ये है कि अब ये दोनों अलग हो गए तो इसका मतलब बीजेपी को बड़ा एडवांटेज मिल गया। हाँ। उनका परसेप्शन ये है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए विषय ये था कि हमने डिबेट में विषय आया कि कई सीटों पर कांग्रेस 2 नंबर पर है, तो वो जो परसेप्शन ये चला कि अगर ये दोनों होते तो शायद कांग्रेस 3रे नंबर पर होती, किसी ने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, और आप उसको मोल्ड करके किसी नई दिशा में ले जा रहे हैं बात को, बात ये हुई थी। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया सर, अब क्लियर। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कौशिक साहब मैं क्लियर करता हूँ। आप अपने, हाँ कोई नहीं, आप अपने शब्दों की किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं वो एक अलग विषय है। इनका बिल्कुल इनके इंटेंट ये थी, और इनकी वो शब्द उस तरफ जा रहे थे कि ये दोनों अलग हो गए नहीं तो बीजेपी हार जाती। उसका अर्थ ये है कि अब ये दोनों अलग नहीं होते तो बीजेपी हार जाती, अब दोनों अलग हुए तो बीजेपी नहीं हारेगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, हो गया सर, विकास जी। अभी हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के नाम पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ही पार्टी है जिसने नोटबंदी के नाम पर सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ी। और मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं लड़ी, तो मोदी जी 2 बार हरियाणा में आए हैं, एक बार फतेहाबाद में और एक बार रोहतक में। दोनों बार उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की ही बात करी, ILD की तो बात भी नहीं करी, जिक्र भी नहीं किया। जिससे लड़ाई होती है आदमी उसी का जिक्र करता है। अच्छा। तो मोदी साहब हमसे ही लड़ाई मार रहे हैं तभी तो हमारा जिक्र कर रहे हैं हर भाषणों में। बताइए ILD का कोई जिक्र कराओ दोनों बार हरियाणा में। तो इसलिए ये मुगालता छोड़ दे कि इनकी कहीं लड़ाई में है, लड़ाई कांग्रेस की और भाजपा की है, और ये 10 की 10 सीटों पे है। ठीक है, अब ये खुद ही 2 सीटों पे, जब ये खुद ही दो सीटों पे मान रहे हैं, जब मैदान में 2 सीटों पे आ गए हैं और EVM को दोष देने लग रहे हैं, तो मैं उस बात पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी जी भी जब हमसे लड़ाई मान रहे हैं तो लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी की है, लोगों ने इनको नकार दिया है क्योंकि ये खुद की आपस की लड़ाई में ही। योगेश जी, मोदी जी अगर किसी का नाम नहीं लेंगे, PM किसी का नाम नहीं लेंगे, तो इसका ये मतलब है कि वो उसे कमजोर मानते हैं? वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले मैं वो बात करूंगा जो अधूरी रह गई है। जो मेरा परसेप्शन था वो ये था, और जो कि प्रूव्ड है, बीजेपी इनेलो जो है बीजेपी की ऑटोमेटिकली बिना अन कही एक अलाइज पार्टी है। अच्छा, डेफिनेटली वो है। उन्होंने चुनाव में, पिछले चुनाव में भी ये कहा है कि अगर हम जीतेंगे तो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकते थे वो लोग। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये दोनों होते एक साथ और ये मजबूत होते, जींद जीत जाते। हाँ। वो तो पता नहीं, जींद में फिर आकलन ये होता कि जींद इनेलो को मिलेगी, बीजेपी नहीं लड़ेगी, तो जीत जाते वो। तो फिर ये हो सकता था, जो कि हुआ पहले भी, कि 4 पे इनेलो लड़ रही है और 6 पे बीजेपी लड़ रही है और 10 की 10 ये जीत जाते। मेरा नंबर वन ये पार्ट था। अब दूसरा, आपने क्या सवाल किया था? मैं, जैसे कि विकास जी ने कहा, प्रवक्ता कांग्रेस की, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और वो केवल कांग्रेस का जिक्र करते, INLD का नहीं करते, इसका मतलब बीजेपी अपना मुकाबला केवल कांग्रेस से मानती है? देखिए, इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं। हाँ। कि अब जो मुकाबला चल रहा है वो तो इन दोनों में ही है, कांग्रेस में और बीजेपी में। लेकिन जो ये बातें हो रही हैं बीच बीच में, किसी किसी सीट पे, जैसे इनेलो भी एक आधी सीट पे ऊपर है और JJP भी एक आधी सीट पे ऊपर है, वो हमें मान लेना चाहिए। अब ये 10 की 10 सारे के सारे जीतेंगे तो फिर तो 40 सीट करनी पड़ेंगी हमें, वो तो बड़ा मुश्किल है, हमारे हाथ में है नहीं वो।
बट चलो ठीक है, नहीं बोलने दो हम, पर हमारा मेरा आत्मविश्वास होना भी चाहिए, गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत क्या है? नहीं, आत्मविश्वास वहां तक तो ठीक है जहां तक आप मतलब जहां तक आपको पढ़ाई करके एग्जाम देना है, एग्जाम दे चुके उसके बाद तो एग्जामिनर रिजल्ट देगा। बिल्कुल, चलिए हाँ सुपन जी। देखो कौशिक जी ने कहा कि इनेलो बीजेपी के अलाइव है, ये डिसाइड नहीं करेंगे इस बात के लिए। पोरों में क्या हुआ 2016 के बाद, जिस प्रकार से बीजेपी ने जाट समाज, किसान समाज को मारा, युवाओं, महिलाओं सबके साथ अन्याय किया और इस प्रदेश के भाईचारे को जलाया, हम बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। भविष्य में कुछ भी हो, थर्ड फ्रंट के रूप में इस देश में एक नई जो ताकत उभरेगी उसके साथ जाएंगे। मैं, मेरे साथी ने कहा कि मोदी ने जिक्र नहीं किया, मोदी जी ने दो सभाएं फतेहाबाद जो सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और कुरुक्षेत्र में, मेरी उस बात में मेरी बात कोरोबरेट होती है, वहां पे गए क्योंकि उनको वहां पे भय था, वो उनकी ताकत कमजोर थी, शब्दों से वो कुछ भी कहें, कोई चीज छुपाएं कोई चीज बताएं वो अलग है, लेकिन उनके एक्ट से उनकी सभा उन्होंने कहां किस इलाके में की है और उससे वो क्या करना चाहते हैं वो उससे सब कुछ क्लियर है। इनेलो को मजबूत मान करके उन्होंने फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभाएं की है और कुरुक्षेत्र में की, ठीक है, जैसे हिसार में उन्होंने बीजेपी को मजबूत माना, वो हिसार में नहीं गए, सिरसा में गए। मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, ये परसेप्शन उनका है, क्लब करके रैली करिए फतेहाबाद और हिसार की। मैं आपको पहले बता दूं, आप पता कर लीजिए, पत्रकार साथी बता देंगे, जो फतेहाबाद में रैली करी है वो हिसार और सिरसा की क्लब करके करी है। नहीं देखिए अभी क्या है, देखिए बड़ा मूल्यवान समय होता है, सामने वाले भी देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे साथी मिलके ना चुनाव का आकलन कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा डाटा मैं लेके आया हूँ और मैं उस डाटा के हिसाब से आपको एक प्रोजेक्शन दे देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, मेरे पास हल्के वाइज डाटा आ गया सारा का सारा। तो जहां पे श्रुति चौधरी को कांग्रेस ही मजबूत मान रहे थे और बीजेपी के धर्मवीर जी को मजबूत मान रहे थे, जो जाट बेल्ट बोलते हैं, जिसको ये मैं नहीं मानता जातिवादी, लेकिन जो समीक्षक मानते हैं मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं, तो लोहारू, बाडरा, दादरी, भिवानी और तोशाम, ये पांच हल्के जहां पे जाट बहुल्य वोट है, वहां पे आप वोट परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ तोशाम, तोशाम में दोनों है, तोशाम से ही किरण चौधरी की पुत्री सुपुत्री जो है अपनी श्रुति चौधरी जी, हाँ। और तोशाम से ही धर्मवीर जी, हाँ। तो वहां पे अगर सिर्फ एक 73% है, बाकी सब जगह 70 से नीचे वोट हुआ है। लेकिन अगर आप इसी आकलन को लेके आएंगे अहिरवाल बेल्ट में, जो चार हल्के पड़ते हैं आपके, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, यहाँ पे 70 से ऊपर कूद गया है। तो अगर आप एवरेज 65% की बात करते हैं तो 7% से 5% का जो इम्पैक्ट आ रहा है, वहां स्वाति यादव है 5% का चार हलके के अंदर, और कहीं ना कहीं दुष्यंत जी का, अजय सिंह जी का, जेजेपी का जो एडिशनल वोट बैंक 36 बरादरी का मिलेगा, मैं आपको दावे से कहता हूं अप्रत्याशित जीत एक और सीट पे आएगी। हाँ, तो मैं पूरी कर दूं, हाँ, मुझे देखो काफी देर बाद समय मिला है, इसी से इसी वजह से मैं बता देता हूं एक और हिसार, जिसको हॉट सीट सभी बोलते हैं, और मैं एक सोनीपत पे और फिर तीन पे बात करते हैं, चार पे। तो हिसार के अंदर भी आप ये देखिए, जहां जहां दुष्यंत चौटाला जी को पिछली बारी वोट ज्यादा मिले थे वहां पे परसेंटेज ज्यादा है, अच्छा। वहां पे आपकी बारी परसेंटेज ज्यादा है, और जहां पे अपने कांग्रेस के हो गए या बीजेपी के अपना गढ़ मान रहे हैं, तो वो जो फाइट की बात करें, डेटा पे बात करें, तो वो फाइट नहीं नजर आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं, दोबारा कहता हूं, मैं एडवांस में दुष्यंत चौटाला जी को बधाई देता हूं। अब आते हैं सोनीपत पे, सोनीपत पे साथी बोल रहे थे, देखिए दो मिनट का है, सोनीपत पे साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का ही जोर है, तो वहां पे एक बड़ा डाटा सामने निकल के आया, वो डाटा है कि गन्नौर में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंपैक्ट नहीं आता है, हाँ। कुलदीप शर्मा जी जा चुके करनाल लड़ने के लिए, 71% हाँ। आया है, 71% नहीं आकड़े आकड़े, अरे भैया सुन तो ले, नहीं मैंने वो भी बता दिया, विकास जी देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, और दूसरी बात आकलन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, ये डाटा है एक्चुअल परसेंटेज जो हुई है, ठीक है, आपका मूल्यांकन क्या कहता है वो आप बताइएगा। मैं बात करता हूं राई की, राई में 71% हुआ, खरकोदा जिस तरफ जिस बेल्ट पे हुड्डा जी का ज्यादा ध्यान था सिर्फ 69% हुआ है, सोनीपत 64% जिसको अपना गढ़ मानते थे, गोहाना 65% जिसको अपना गढ़ मानते थे, बरोदा 65% जिसको अपना गढ़ मानते थे, जुलाना, सफीदो, जींद, फिर मैं आप मैं वोट सर मेरी मजबूरी है मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वोट परसेंटेज जींद जुलाना में बड़ा है, जिन जुलाना में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है
उसकी वजह से आपको एक चीज नजर आएगी कि जहां बात हो रही थी कि दिग्विजय फाइट में है या नहीं, अप्रत्याशित रूप से आपको वहां रिजल्ट दिखाई देंगे। सिमिलरली कुरुक्षेत्र में हुआ है, कुरुक्षेत्र के अंदर जहां पे डीडी शर्मा जी का इम्पैक्ट बहुत था, जहां पे जिन हलकों से हमें पहले भी सपोर्ट मिलता था, वहां पे कंपेरेबली उस लोकसभा के बाकी हलकों से 5 से 8% तक ज्यादा वोटिंग हुई है, तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब मैं कहता हूं कि 4 सीटों पे बहुत जबरदस्त तरीके से आपको इंपैक्ट दिखाई देगा, और 2 सीटें तो निश्चित रूप से हम जीते हुए हैं, और तीसरी भिवानी महेंद्रगढ़ 99.99% श्योर, 0.01% भगवान जो चाहे, वहां एडवांस में नहीं बताई दे रहे हैं। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी, जो डाटा यहाँ पर प्रदीप जी ने दिया है उस पर बात करने के लिए, क्योंकि सबके पास जाना होगा इस पर बात करने के लिए, तो जो आंकड़े प्रदीप राजेश्वर जी ने गिराए वो आपको पचे नहीं? देखिए मैं तो इनके आंकड़े पे एक ही बात कहूंगा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि अगर ये बात कर रहे हैं आंकड़ों की, नहीं कोई बात नहीं, अगर ये आंकड़े ये बढ़ाते हैं कि कहीं वोटिंग ज्यादा हो गई है और वहां जेजीपी को ज्यादा होगी, तो मेरी समझ में ये साइंस या मैथ नहीं आता, इन्होंने कैसे वो कैलकुलेट कर लिया। मैं हाँ, ये कह रहे हैं कुलदीप शर्मा जी चले गए, अरे कुलदीप शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, आपका वहां कोई विधायक नहीं है, आप कह रहे हैं वहां वोटिंग कम होगी या ज्यादा होगी तो जेजेपी की होगी, कैसी पता नहीं, मैं इस बात को मान नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए एक मिनट। अब बात अगर सोनीपत की करते हैं, सोनीपत में जब उन्होंने पहली बार चुनाव के लिए आए थे दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने नारा दिया था, मैं अपने बाप का और दादा का बदला लेने आया हूँ, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर के हीरो हूँ, इस तरह का जब उन्होंने नारा दिया तो देहात में इस बात का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने उनसे कहा, सवाल किए कि आप बदला लेने क्यों आए, आप विकास करने क्यों नहीं आते, कभी तो आप कहते हैं जब जींद में चुनाव लड़ते हैं मैं रड़क निकालने आया हूं, तो रड़क निकालने की राजनीति नहीं चल रही, लोग अब पॉजिटिव राजनीति चाहते हैं, और दिग्विजय चौटाला जी पॉजिटिव राजनीति नहीं कर रहे, वो हमेशा बदला लेने की रड़क निकालने की बात करते हैं, तो सोनीपत का वोटर समझदार है और वो इस बार तय कर चुका है कि जो बदला लेने आए हमें वो नहीं चाहिए जो विकास की बात करेगा, जो जिसने हरियाणा में पहले विकास किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उनको वोट देंगे, और आप देखिए नतीजे आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनीपत से बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कराएंगे। ठीक है, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। अनामिका जी, मैं प्रदीप भाई के आंकड़े देख रहा था, मैंने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के डानी फोगाट के बूथ नंबर 45 पर मैंने भी वोट किया है, और स्वाति यादव की जो ये बात बता रहे हैं इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, अगर वो जमानत बचा जाए तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है, और क्योंकि लोगों ने समझा है कि ये क्या है, आप अमेरिका से ला करके एक को लड़ा देते हो जिसके युवा के नाम पर, वो चीज लोगों ने बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई किया है, और जमानत नहीं बचेगी मेरे अनुसार, जो मैं कह रहा हूँ इनके आंकड़े अपने हो सकते हैं। दूसरी बात, ये हिसार की बात आई, हिसार पे कह रहे हैं, मैं पिछली बार हिसार में दुष्यंत के नड़वा में इंचार्ज था, और जो माहौल उस वक्त था उसका 10% भी नहीं है। आजाद नगर एक जगह है, मैं ऑन कैमरा इस भाई से पूछना चाहता हूँ, आजाद नगर में जब पिछली बार इनको 80% वोट मिले थे, इस बार ये तीसरे नंबर पे, इनके एजेंट नहीं थे वहां पे, उचाणा नारनो धर जगह, ये कहीं पर भी नहीं है। बात सोनीपत की जहां तक है, सोनीपत में ये हुआ है कि जाट समाज ने ये महसूस किया कि दिग्विजय चौटाला 2016 के बाद बीजेपी ने जो बेकायदगियां की हैं उनको बचाने के लिए और सोनीपत आए हैं, और बहुत बड़ा गुस्सा था, और क्योंकि लोगों में रिफ्लेक्शन ये गया है कि दिग्विजय और दुष्यंत जो है ना वो अपनी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और ये तो इनका सुसाइडल स्टेप है, बहुत बड़ा डेंट इनको लगेगा, पूरे लाइफ लॉन्ग डेंट लगेगा इनको जाट समाज इस इलाके में, पर्टिकुलर जो देशवाड़ी बेल्ट है वहां पे इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात के लिए, और माफ भी नहीं करेगा कि इस प्रकार से लोगों की भावनाओं के विपरीत जाकर के ये लोग इलेक्शन लड़े, जींद चुनाव हो तो ये लड़े, सोनीपत हो तो ये लड़े। प्रदीप गिल जो इनके प्रदेश के पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे वो सिर्फ इसी बात पे चले गए कि उनको लगातार यूज किया गया, आपको टिकट देंगे। अब कहां जींद और जुलाना की बात करते हैं, ये प्रदीप गिल जी चले गए जो इनके बड़े नेता थे जींद में, उसके बाद जसवीर स्वामी जिसको जींद चुनाव में टिकट की बात करके लेकर के आए थे वो चले गए, इनका एक भी वोटर, इनका एक भी वर्कर जींद और जुलाना में नहीं बचा है, और ये बात करते हैं कि वहां पे जीतेगा, अगर 40,000 वोट और 50,000 वोट अगर दिग्विजय चौटाला वहां पे ले गए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। इस तरह के आंकड़ों के साथ आप खेल सकते हो, आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। चलिए ठीक है सर, दिग्विजय और स्वाति के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनकी जमानत जब्त होगी, और जो आंकड़े उन्होंने गिनाए उस पर आप भी कह रहे थे कि नहीं ये ऐसा जो है वो फैक्ट नहीं। देखिए मेरा भी मानना ये है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि स्वाति यादव जीत की स्थिति में है और उधर वहाँ दिग्विजय जीत की स्थिति में है, तो वहाँ जितने भी दो कैंडिडेट और भी खड़े हुए हैं और दोनों को कमतर कहीं भी आंका नहीं जा सकता, चाहे वो हिसार में हो या महेंद्रगढ़ भिवानी में हो, तो इस तरीके से ये कहना है कि एक तरफा उनको जीत मिल रही है, मैं भी इससे सहमत नहीं।
ठीक है, एक तरफा उनको जीत मिले। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जैसे उन्होंने गिनाया कि सोनीपत गोहाना जहां जहां उनका गढ़ है वहां वोटिंग प्रतिशत कम रही। ये उनकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अपनी बेहतर किस तरीके से करते हैं मुझे तो आश्चर्य होता है कि वाईएलडी में होते हुए भी जिस तरह से सोनीपत में और सोनीपत में कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये भी एक विचारणीय विषय है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि सब कुछ एक तरफा है, यहाँ हर नेता को पसीने आए हुए हैं, कॉन्टेस्ट में फंसा हुआ है और प्रवक्ता जिस तरह से उसको निकाल के सीधे एक तरफा ले जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात। ठीक है, सीधे एक तरफा लेकर जाते हैं। जो आंकड़े प्रदीप पाराशर ने गिनाए उस पर आप क्या कहेंगे सर, आपका रिएक्शन? वो तो मैं बताऊंगा ही, सबसे पहले इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, सब लोग 10-10 सीटें ले रहे हैं अपनी, तो इन्होंने कहा था कि गालिब ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए, उसको थोड़ा सा पीछे मैं ले जाता हूँ शेर को पूरे को, वो कहाँ से शुरू हुआ कि वो था कि भाई जन्नत नसीब होगी आपको, और जन्नत में क्या मिलेगा, सबसे बड़ी चीज मिलेंगी हूरें, तो जन्नत तो हजारों साल पुरानी है, इसका मतलब हूरें हजारों साल बूढ़ी होंगी, तो वो बूढ़ी हूरें इन्हें मिलेंगी। तो जो गालिब साहब ने लिखा था वो ये था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए, नंबर वन पार्ट इज दिस, तो जन्नत की हकीकत तो ये है। अब दूसरा पार्ट आता है इनका, देखिए वोट परसेंटेज बढ़ रहा है या बढ़ेगा उसमें मेनली वर्कर का रोल होता है, और वर्कर पूरी ताकत लगाता है अपने वहां वहां जहां जहां उसे लगता है कि हम यहां जीत सकते हैं जी। और लेकिन कुछ ऑटोमेटिकली शौकीन होते हैं वोट डालने के, वो डालते ही डालते हैं। अब जैसे इन्होंने बात की कि जो अहीर बेल्ट है उसमें जो है परसेंटेज बढ़ गई तो वो सारी स्वाति को डल गई। देखिए आपने एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट दे दिया, यहां तक तो बात अच्छी है, बट उसने नीचे जमीन पे क्या काम किया है वो तो लोग देखते ही देखते हैं। जैसे अभी मेरे ख्याल युवा के नाम पर वोट मांग रहे थे। हाँ, युवा की दूसरी भी बात कर देता हूं ना मैं, अभी जो ये कुलदीप के बेटे हैं भव्य, ये अभी कल तक तो क्रिकेट खेलते रहे हैं, दोनों भाई ओपनिंग करते थे, अब वो ओपनिंग से सीधे मैदान में ओपनिंग करने के लिए यहाँ उतर गए, तो पब्लिक वहां पे भी चेक करती है। ठीक है, तो क्या है कि आपका कोई तो बैकग्राउंड हो, फादर के साथ आपने 5-10 साल काम किया हो, आज का वोटर ये चाहता है कि उसका एमपी हो या एमएलए हो या काउंसलर हो, बाय नेम बाय फेस उसे जाने पहचाने और बात करे और वो उसको जाके पकड़ सके। जो इंद्रजीत जी की परेशानी रहेगी वो यही है जो मैं कहना चाहता हूं कि इंद्रजीत जी एक अपने आप को इस लेवल का नेता मानते हैं कि वो नीचे लोगों से नहीं मिलते, वो काउंसलर को बुला लिया, एमएलए को बुला लिया, उसके नीचे किसी से बात नहीं करते वो, तो कप्तान साहब ने ये बात की है हर जगह जाके, तो ये इनेलो की और इनकी जेजेपी की ये बहुत अच्छी चीज भी रही है। जो इनके यहाँ ट्रेनिंग लेके आता वो ये ट्रेनिंग जरूर लेता है, देवीलाल जी ने जो इनको सिखाई कि घर में जाके बैठ के किसी के भी चाय पीने लग जाओ, रोटी खा लो, हुक्का पी लो, तो ये 1:1 जानते हैं, वही कल्चर जेजेपी या इनेलो के लोग चाहते हैं, जो कि अभी तक स्वाति उस पर खरा नहीं उतरेंगी। तो और दूसरे जैसा निरुला जी ने कहा, मैं मानता हूं कि जो आगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों धुरंधर हैं, मतलब ये जो धर्मवीर जी जो हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने बंसीलाल को हरा दिया था, और बंसीलाल जी का परिवार तो है ही एस्टेब्लिश परिवार है, तो वो वोट्स इनको पोल होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे ही सोनीपत का भी आंकलन है, सोनीपत में जैसे ये मान के चल रहे हैं, मेरे पास भी ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि लोग इस बात से नाराज हैं, अगर पहले दिग्विजय ने नॉमिनेशन कर दिया होता तो शायद उनको फायदा मिलता कि हुड्डा इनको हराने आ रहे हैं, ये गलत बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने किया पहले फाइल और फिर इन्होंने आके ये ऐसे स्टेटमेंट दिए, तो वहां पे भी जो जिसको अब ये तो कास्ट बेस पे चलने लग जाते हैं, अभी कास्ट बेस पे अगर ऐसे करने लोगों को तो फिर तो आपने रिजल्ट पहले ही घर पे तय कर लिए और आपने डिसाइड करके भेज दिया भी चलो ये जाए गया और जीत गया, तो इनसे मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, जीत गया क्या, वो तो बधाई भी दे रहे हैं एडवांस में, आपके आकलन पर, आपके आंकड़ों पर सबकी प्रतिक्रिया आ गई। देखिए कई चीजें ना सारे साथी भूल रहे हैं, जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ पे जब मैं आंकड़े दे रहा हूँ तो पूरी बात कोई भी नहीं समझ रहा, परसेप्शन अपनी अपनी। मैंने बोला वोट शेयर बढ़ा है, मैंने ये नहीं कहा जेजेपी का वोट शेयर बढ़ा, मैंने कहा वोट परसेंटेज बढ़ा है कंपेरेबली दूसरे हलकों में, तो जब अहिरवाल बेल्ट की वोट शेयर बढ़ती है तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 99.99 मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो वोट परसेंटेज बढ़ा है 5-7% का, वो आप देख लीजिएगा, वो आपको अभी 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 23 तारीख को दिखेगा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं अभी साथी कई बोले कि स्वाति यादव अमेरिका से आए और सीधा इनको चुनाव में उतार दिया, तो एक चीज याद दिला दूं, जो दीपेंद्र हुड्डा जिसको हरियाणा में
कांग्रेस का सांसद सोनी पूरे हरियाणा का कांग्रेस का एकमात्र सांसद बना था वो दीपेंद्र हुड्डा, जब पिताजी ने सीट खाली की थी और सीएम बने थे उसके बाद सांसद की सीट पे लड़ने बाहर से आए थे, तो ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सिमिलरली उत्तर प्रदेश में हुआ था जब मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को बुला के चुनाव लड़वाया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि राजनीतिक परिवार तो उनका भी है, नुताना जी जो हैं वो काफी दिनों से राजनीति में एक्टिव है, खुद एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके, दूसरे नंबर पे भी आए थे। तो बात होती है राजनीतिक रिक्वायरमेंट की, और जहां पे जननायक जनता पार्टी ने समझा था कि यंग को लेंगे, पढ़े लिखे को लेंगे, और इस तरह की एक फीलिंग भी जनता को देंगे कि एक न्यू कमर भी पार्टी के अंदर एमपी का चुनाव लड़े। तो जहां स्वाति यादव को दिया वहां प्रदीप देसवाल को भी दिया, जहां पर दिग्विजय को मिला दिग्विजय के उस पे सवाल आया, और एक बड़ा मैं बोलता हूं बड़ा गलत परसेप्शन जो आज दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि जाट नाराज हो गए। देखिए 36 बिरादरी का समाज होता है और 36 बिरादरी के समाज में सारे बराबर होते हैं, सारे भाई होते हैं, तो कोई भाई किसी से नाराज नहीं होता। जातिगत आंकड़े तो आप ही दिखा। मैंने जातिगत आंकड़े, मैंने कहा अहिरवाल बेल्ट के अंदर वोट शेयर में तो बढ़ेगा, मैंने देशवाल नहीं बोला। हाँ। मैंने कहा जिस तरह का ये देशवाल जाट और बागड़ी जाट का जो डिवीजन शुरू हुआ ये कांग्रेसियों ने सोनीपत के अंदर फैलाना शुरू किया कि वहां से आके यहाँ लड़ रहे हैं। देखिए, और ये एविडेंट है, हम जो बता रहे हैं वो सामने से नजर आता है इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो साफ तौर पे जातिवाद के खिलाफ हूँ, जननायक जनता पार्टी जातिवाद के खिलाफ है, इसलिए आप देखेंगे कि हर बिरादरी के व्यक्ति को जननायक जनता पार्टी ने टिकट भी दिया। जहां पे पदाधिकारियों की बात देखेंगे हर बिरादरी के पदाधिकारी जननायक जनता पार्टी में है, और जिस तरह का 1-to-1 कनेक्ट जो कौशिक जी बोल रहे थे, ताऊ देवीलाल जी ने जो सिखाया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सिखाया, अभय सिंह जी ने जो सिखाया, अजय सिंह जी ने जो सिखाया, दुष्यंत जी ने जो फॉलो किया, मैं इसमें परिवार के किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा। 1-to-1 कनेक्ट एक कल्चर है और 1-to-1 कनेक्ट कल्चर होना भी चाहिए। बात आती है कि एक्चुअल में काम कौन करेगा, काम वो करेगा जो जनता की बात समझेगा। अभी मोदी वर्सेस राहुल का इलेक्शन बना के अगर इसको देख लें तो ये इलेक्शन ठीक नहीं, जनता के मुद्दों पे होना चाहिए था, तो वो जनता के मुद्दे तो जननायक जनता पार्टी उठा रही थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जिस तरीके से एक नेशनल घोषणा पत्र जारी ना करके कि एक ही घोषणा पत्र सब जगह एप्लीकेबल है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि अगर मैं सिर्फ हरियाणा का एग्जाम्पल लूं तो हरियाणा के ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से गुड़गांव के जो मुद्दे हैं वो बदल जाते हैं जब जींद से कंपेयर करें, और जब जींद के मुद्दे को कंपेयर करेंगे रिवाड़ी से तो रिवाड़ी के लोकल मुद्दे अलग हो जाते हैं, जो कि सांसद आवाज उठा सकता है और सांसद अपने एरिया स्पेसिफिक काम लेके आ सकता है। उसके लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने लोकल विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए 10। अब बात आ जाती है कि उन विजन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विजन बनाई, क्योंकि पार्टी नहीं है अब, नहीं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं हम नई पार्टी के झंडे के नीचे, तो विजन ही दे सकते हैं, एक वादा दिखा सकते हैं। घोषणा पत्र आ गया सर, अब तो चुनाव भी हो गया। हाँ। अनामिका जी, मेरे साथी ने कही कि जेजेपी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। 2014 का इनका चुनाव, शायद प्रदीप जी उस वक्त दुष्यंत जी के साथ नहीं थे, उन्होंने जाट और नॉन जाट की तर्ज पे लड़ा था और जाटों ने उनको चुनाव जिताया था समर्थन दे करके। एक बार कंप्लीट कर लें प्रदीप भाई, कंप्लीट कर लें। ये बात अलग है कि जब इस प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने जाटों के साथ अन्याय और अत्याचार किया तो दुष्यंत चौटाला बिल्कुल मौन रहे, वो 36 बिरादरी के नेता बन गए। और जातिवाद की बात क्यों ना हो, जब एक वर्ग के साथ बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड जब गलत बात होती है तो वो जातिवाद नहीं है क्या? दूसरी इनकी स्वाति यादव के ऊपर मैं आता हूँ, ये कह रहे कि युवा है पढ़ी लिखी है तो उसको अमेरिका से लेकर के आई, इसका साफ अर्थ है कि इनके पास यहाँ हरियाणा में जो युवा हैं उनको वो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही वो योग्य हैं, इसलिए अमेरिका से इनको इंपोर्ट करना पड़ा। एक बार मैं कंप्लीट कर लूं प्रदीप जी, इंपोर्ट करना पड़ा। और वो शिक्षा की बात करती हैं और उनके वो जो ना शिक्षा का व्यापार करते हैं, उनके फादर स्कूल है उनके, जो लोग शिक्षा का व्यापार करते हो वो कैसे शिक्षा और समाज में शिक्षा देंगे? एक बार प्रदीप जी मेरे को कंप्लीट करने थे, मैं बीच में नहीं बोला, क्या वो कर सकते हैं इस प्रकार के? युवा की बात करी, युवा उस दुष्यंत चौटाला का भाई युवा है जिसको सोनीपत भेजा गया, और युवा इनकी पार्टी में नहीं है। युवा का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में या अपने जो आपके मनपसंद और मनचाहे जो लोग हैं उनको आप राजनीति में आगे बढ़ाओगे। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि सोनीपत की इन्होंने बात करी, ये सब सारी चीजें इनके पास एक दूसरे प्रकार के आंकड़े हैं, इनके दिमाग में इनको ये ब्रेन वॉश हो चुके हैं अपने एक माहौल में। इनको लगता है जिस प्रकार से अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता सावन में जोंदा, तो उनको इसी प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये है, हरा और पीला अभी दोनों नजर आ रहे हैं।
हाँ खाली हरा नहीं दिखता है, क्योंकि हरा जो है ना हरा मैं अनामिका जी बताऊं कि हरा जब खराब हो जाता है तो वो पीला बन जाता है। अच्छा हरे हरा ही पीला बनता है। आज तो सर आप चुटकी पे चुटकी इनकी स्थिति वो हरा हरा जो है नरुला जी इन्होंने तो अपना ही खराब कर दिया, खुद कह रहे हैं कि हरा खराब हो गया तो पीला हो गया। हरे का मतलब ये है कि हरा रंग जो है वो खुशहाली का प्रतीक है और हरियाणा प्रदेश की खुशहाली को इन्होंने खराब कर दिया। कैसे कर दिया? किसान की जो आवाज इनेलो थी, जो गांव ग्रामीण की संस्कृति और उनके हितों की रक्षा की जो इनेलो थी, उसको इन्होंने सिर्फ इसलिए कमजोर कर दिया कि ये लोग सीएम बन पाए। हाँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये काबिलियत की बात करते हैं कि दुष्यंत चौटाला बहुत काबिलियत, उनमें अलग से क्या काबिलियत है? क्या इस प्रदेश उनमें काबिलियत एक थी जब उनको एमपी बनाया गया, उनको जब टिकट दी गई कि वो चौटाला परिवार से संबंधित रखते थे, एक काबिलियत थी, मैं ओपनली इस बात को कहता हूँ, और उसी को एमपी बनने के बाद उसी काबिलियत को दरकिनार कर दिया। मैं तब तो दुष्यंत चौटाला को काबिलियत को मानूं कि वो परिवार की सारी चीजों को दरकिनार कर दें, वो सारी बातों को छोड़ करके आए, तब काबिलियत हो। काबिलियत उनमें है, बताइए उनके भाई में है जो 27 साल की उम्र तक सिर्फ प्लस टू कर एक और। तो आप कहते हैं कि दिग्विजय चौटाला ही युवा है, क्या हरियाणा में और कोई युवा नहीं है? दूसरों आप कह रहे हैं कि चौटाला परिवार से आते थे इसलिए वो एक काबिलियत थी, जो चौटाला परिवार से आएगा वही काबिल है। मैं फिर नहीं, आप मेरी बात का अर्थ समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिस परिवार काबिलियत यही तो थी दुष्यंत में जब उनको टिकट दी गई, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी जेल में चले गए थे और अजय चौटाला के ने जो काम किया था उसको दुष्यंत चौटाला को अभय सिंह चौटाला ने सौंपा अपने परिवार को बीच करके। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अभय सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं चाहते थे कि 2014 में दुष्यंत भी इत्तेफाक नहीं रखती। सर ये क्या काबिलियत हुई कि चौटाला परिवार से है इसलिए चुनावी समर्थन? देखिए बड़ी हैरत की बात है कि आईएलडी ने जितने भी दुष्यंत के खिलाफ मामले रखे वो खुद एक पारिवारिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो परिवार की बात उन पे आरोप लगा रहे हैं कि परिवार की बात है, तो वो खुद ये मान रहे हैं कि वो चौटाला परिवार से था, उनकी यही खासियत थी, वो मान रहे हैं कि उनकी पार्टी में ऐसा होता है कि सिर्फ यही खासियत होनी चाहिए कि वो चौटाला पर। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आपने दो बार कहा काबिलियत का आपने जिक्र किया शब्दों को दूसरी तरफ ले जा रहा, मेरी जो इंटेंट है जो मैं कह रहा सर यहां पैनल में बैठे सभी ने सुना, सबसे रिएक्शन लेते हैं। तो देखिए उन्होंने ये मान लिया है कि इससे पहले देखिए अब तो जब टिकट मिली थी जब आईएलडी थी तो आईएलडी में यही काबिलियत मानी जाती थी कि वो चौटाला परिवार के थे, इसीलिए हमने उनको टिकट दिया। वो उन्होंने सीधा स्पष्ट तौर पर कहा और वो अगर ऐसी सोच रखते हैं और इस तरह की काबिलियत को बता रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि उनको तो आरोप लगाने का हक भी नहीं बनता अगर ऐसा हुआ हो अभी पहले भूतकाल में, और तो और फिर उनपे वो आरोप लगाएं, वही चीज के आरोप लगाएं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है एक सेकंड मैं आ रही हूँ सर। ये बात शुरू हुई थी योगेश कौशिक ने जो जिक्र किया स्वाति का और दिग्विजय चौटाला का, उन्होंने भव्य बिश्नोई का भी नाम लिया था। आपके पास में बहुत देर से नहीं आई, मैं आऊंगी, मैं फाइनल रिएक्शन के लिए आऊंगी आपके पास। भव्य बिश्नोई पहले क्रिकेट में ओपनिंग करने के लिए उतरते थे, आप लोगों ने उन्हें चुनावी रण में उतार दिया, तो जनता अगर स्वाति को देखेगी, दिग्विजय को देखेगी, तो भव्य बिश्नोई को भी तो देखेगी, जांचेगी, परखेगी। हाँ जरूर देखे, हम तो कह रहे हैं हमारे भव्य बिश्नोई की हमने यही बात करी है कि और जो कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई पहली बार राजनीति में आया, मैं बताना चाहूंगा कि वो पिछले इलेक्शन से सक्रिय था और वो अब 2 साल से हिसार के हल्के में आना जाना उसका लगातार था और हम जनता से यही कह रहे हैं कि आप भव्य बिश्नोई की काबिलियत देखिए और उसके नाम पे वोट करिए। हम कह रहे हैं भव्य बनाएगा हिसार को, हमारा तो टैगलाइन भी ये कि भव्य होगा हिसार, हम तो उसके नाम पे वोट के लिए कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। देखिए जेजेपी वाले जो बात कह रहे थे, जात बिरादरी की बात कर रहे थे, ये खुद ही तो आंकड़े निकाल रहे हैं कि अहिर बेल्ट के वोट वहां बढ़ गए इसलिए स्वाति यादव जीतेगी और जाट मैं नहीं, आपने वही आंकड़े बताए थे, मैं आप बीजेपी बोलिए आप एक मिनट, इन्होंने बोला अहिर बेल्ट में बढ़ गए तो स्वाति यादव ले गई, जाट बेल्ट थी जो श्रुति चौधरी की और वहां जहां रणबीर सिंह जी आते हैं वहां से जाटों की वोट कम आई है, इन्होंने यही बोला था। ठीक है उसके बाद इन्होंने सोनीपत की बात करी। मैं बताना चाहूंगा कि आज ये जात बिरादरी की बात कर रहे हैं जनाब, आज ये घबराए हुए हैं इसलिए अब ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना जो पार्टी सीएम का नारा दे के आई थी आज वो इस चुनाव में क्यों नहीं कहते कि आया सीएम आया, अब इस में क्यों नहीं जवाब लेते हैं? 20 सेकंड अनामिका जी, प्रदीप जी ने बात को डाइवर्ट किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला में सिर्फ एक काबिलियत है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं जिसने गांव ग्रामीण के लोगों के हितों की रक्षा की, जिसने किसानों की रक्षा की। वो जब जेल चले गए तो उन्होंने
अपना ये कि दुष्यंत चौटाला उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, इस करके उनको टिकट दी गई थी। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक सिर्फ एक काबिलियत के, हाँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हाँ। उस परंपरा को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो बूढ़े शरीर और अपंगता के बावजूद निर्दोष होने की वजह से जेल में है, उसकी उस भार को कंधों पर वहन करने की अपेक्षा इन्होंने सीएम बनने के लिए अपने स्वार्थ में उस सारी का जवाब ले। सर सर 20 सेकंड बस, जल्दी से, देखिए ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 सेकंड दीजिएगा, 20 नहीं। एक तो परिवार पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, पारिवारिक स्थिति अलग होती है, राजनीतिक स्थिति अलग होती है। बात आई कि दुष्यंत चौटाला में क्या काबिलियत है क्या नहीं है, काबिलियत टिकट बेशक से चौटाला परिवार से होने की वजह से उनको उस समय दिया हो गया होगा, लेकिन काबिलियत तो संसद में काम करके दिखाई, निष्पक्ष रूप से दिल पे हाथ रख के कोई भी अगर उनके काम को मना कर दे तो आप सामने आंकड़े देख लीजिए, 9 सांसद देख जाएगा और 1 सांसद देख जाएगा, काम तो किया है। दूसरी बात आती है कि अपने कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि जेजेपी जातिवाद कर रही है। अरे भाई प्रदीप, मैं बैठा हूं, मैंने हमेशा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का साथ दिया और इसी वजह से मैं, देखिए सुन तो लीजिए ना पूरी बात सुन, अरे भाई मैं आपके बीच में बोला क्या यार, देखिए जेजेपी के साथ जुड़े इसलिए जुड़े कि जेजेपी के अंदर छत्तीस बिरादरी की बात आई। मैंने ये भी कहा अपनी कोर्ट शुरू करने से पहले कि मैं जाति पाति नहीं मानता, हाँ, मैं सिर्फ जो जिस तरीके से नहीं पहले दे चुके, नहीं 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 इसका जवाब आप पहले दे चुके सर, सर मुझे खत्म करना, नहीं 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 सर डिबेट के शुरुआत में, एक सेकंड सर मुझे ऐसे खत्म करना पड़ जाएगा। डिबेट के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप कल कह रहे थे कि कल शाम तक मैं बता दूंगा किधर पलड़ा भारी है, बहुत जल्दी से सर 10 सेकंड। बिल्कुल बीजेपी का पलड़ा भारी है और मेरे हिसाब से 6 या 7 सीटें बीजेपी की। चलिए तो आज के डिबेट में इतना ही, हालांकि ये चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, आज तो लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा में मनाया गया। सर जल्दी, 10 सीटें तो कोई नहीं जीत रहा, ये डिसाइडेड है 10 की 10 सीटें कोई नहीं जीत रहा है। 23 मई को हम फिर एक साथ बैठेंगे, हालांकि उससे पहले भी डिबेट होती रहेंगी, लेकिन नतीजों को लेकर 23 मई को इस पैनल के साथ बैठकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।